हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टी स्टडी एजुकेशन चैनल में। आपका क्लास 10 के मैथ का क्षेत्रमिति चैप्टर चल रहा है, उनमें से कुछ क्वेश्चन हो चुका है। और किस टाइप का क्वेश्चन आगे आता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपके बुक में किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। और उस पर आधारित जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ रहेगा, वो सब आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नए स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल टी स्टडी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। इसमें हमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको वृत्त की परिधि दिया हुआ रहेगा, तब कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करें, या इसमें दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको परिधि ज्ञात करना है, या परिधि ज्ञात करें। परिधि, परिमाप या परिमिति सब एक ही है। देखिए दिया हुआ क्या है, क्षेत्रफल हमको क्या दिया, इसमें फिगर बनाने का जरूरत नए मन है बनाइए, नए मन है छोड़ दीजिए। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल किसका, तो वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पाई का मान लेने के लिए दिया हुआ है 3.3 पाई बराबर 14। पाई बराबर इसमें मान हमको देना है 3.14। देखिए आप वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 78.5। पाई का मान देना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर बराबर 78.5। हमको आर का मान ज्ञात करना है, 3.14 इधर क्या चीज में है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, 78.5 बटे 3.14। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट खत्म करेंगे तब 885 बटे 314। यही पॉइंट खत्म तो 1, पॉइंट के बाद 2 जीरो तो ऊपर, पॉइंट के बाद 2 अंक तो ऊपर में 2 जीरो, यहाँ पॉइंट के लिए 1 अंक तो 10 कटेगा। बाकी इसको हल कर दीजिए, इसको क्या करना है, इसको हल कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, 0 0 कैंसिल, 5 × 2 = 10, यही 15 × 3 = 30, 7 × 2 = 14, यानी 2 से ही भी कटा और 2 से ही भी कट गया। अभी देखिए 5 से ही पूरे कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 15 × 5 = 75 और 3 × 78, पूरे कट जाएगा कितना बार, 5 बार। आर बराबर स्क्वायर, स्क्वायर खत्म तब अंडर रूट कितना, तो 5 × 5, 2 × 5 = 1, 5 12 इतना सेंटीमीटर। क्या निकला, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमको आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है परिधि, वृत्त की परिधि क्या निकालना है, वृत्त की परिधि फार्मूला लगा दीजिए, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर 2 फार्मूला, एक पाई डी है और 2 पाई आर, यहाँ क्या है आर, आर है तो आर वाला लगा लीजिए, 2 पाई आर, 2 पाई का मान दे दीजिए 3.14, आर का मान दे दीजिए 5। ठीक है, 5 × 10 गुना 3.14, 10 से गुना होगा तो 1 अंक उधर जाएगा दशमलव, 31.4 सेंटीमीटर आंसर। तो इसी टाइप का और भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हो सकता है आपको वृत्त की परिधि दिया हुआ रहे और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रहेगा दिया हुआ, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो परिधि, और परिधि दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल। डायरेक्ट फार्मूला पर अगर कुछ भी दिया हुआ रहे, वृत्त में क्षेत्रफल दिया हुआ हो या परिधि दिया हुआ हो या परिमाप दिया हुआ हो, पहले वो फार्मूला लगा करके वहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए या व्यास निकाल लीजिए, और उसके बाद दूसरा जो भी निकालने के लिए कहेगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है उसको बनाइए। आगे देखते हैं अगला टाइप का कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। वलय यानी क्या, रिंग, वलय का मतलब क्या हो गया, रिंग, हमको रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 2 गो वृत्ताकार भाग है जिसका केंद्र एक ही है, 2 गो त्रिज्या है जिसका केंद्र एक ही है, तब वलय बनता है।
एक छोटा वृत्त और इसके चारों तरफ एक बड़ा वृत्त, दोनों का केंद्र एक ही है। इसमें दिया हुआ है बड़ा त्रिज्या यानी आर वन बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आर टू छोटा त्रिज्या, आर टू बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको वलय का, वलय कौन कर रहेगा ई। इसमें से आपको दे सकता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस तरह से कर देगा और कहेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो भी वही फार्मूला। हमको सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, आर वन बराबर 10 सेंटीमीटर और आर टू बराबर 8 सेंटीमीटर, या इसको बड़ा है तो कैपिटल आर ले सकते हैं, छोटा है तो स्मॉल आर ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना क्या है, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, सिंपल पाई आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इस पर मान पुट कर देंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर वन का मान 10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तोड़िए अलग, अगर मान दोनों बड़ा बड़ा आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे करना है वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, 22/7 गुना 10 64 में 100 में 64 घटेगा 36, इसको हल कर दीजिए जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, इसको हल कर देना है पॉइंट में। ठीक है, तो इसमें आपको दे सकता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इतना भाग क्या कर देगा छायांकित कर देगा, या बल काला किया हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन होगा आपके बुक में, उसको बनाइए। अगला देखते हैं अगला टाइप क्या है, देखिए अगला टाइप क्या है क्वेश्चन, अगला है हमको दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको एक आकृति दिया हुआ है, इसमें छायांकित भाग ये कलर किया हुआ वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि योग केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। सकेंद्रीय वृत्त है, कैसा वृत्त है, सात केंद्रीय वृत्त यानी एक ही केंद्र का दो वृत्त दिया हुआ है, दो वृत्त है तो क्या बनेगा वलय, वलय में कितना भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग मात्र इतना है, इतना का ही हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज हमको मिल गया, एक वलय भी मिल गया और दिया हुआ है तथा कोण AOC बराबर 40, यहाँ से ही जो कोण बन रहा है कितना डिग्री है 40 डिग्री, तो यहाँ पर दो तरह का हो गया, एक क्या हुआ तो इतना एक देखिए त्रिज्यखंड हो गया, ये पूरा तो वलय हो गया, एक ही केंद्र का दो गो वृत्त हो गया, एक ही केंद्र का दो गो वृत्त हो गया। दूसरा नंबर, जब दो गो त्रिज्या से एक हमको क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तीसरा नंबर, इस त्रिज्यखंड में से भी इतना एक भाग बन रहा है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखिए इस तरह से त्रिज्यखंड बन रहा है, इस तरह से क्या बना हमारा त्रिज्यखंड, इसमें से भी इस भाग का ये एक छोटा त्रिज्या दो गो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना 7 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना 14। ठीक है, निकालना किसका है, नीचे वाला भाग का, नीचे वाला भाग का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोनों के लिए कोण कितना डिग्री 40 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये छोटा त्रिज्यखंड, दो गो त्रिज्यखंड बन रहा है, बड़ा वृत्त से बड़ा त्रिज्यखंड और छोटा, बड़ा त्रिज्या से बड़ा त्रिज्यखंड और छोटा त्रिज्या से ये वाला छोटा त्रिज्यखंड, तो ये बड़ा त्रिज्यखंड में ये छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा, वही हमारा कौन सा है छायांकित भाग। ठीक है, तो देखिए तो बड़ा त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बड़ा है तो कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटा के लिए थीटा दोनों के लिए सेम, फार्मूला दोनों के लिए सेम, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये बड़का में छोटका को क्या करना है घटा देना है, क्या करेंगे घटा देंगे थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही करना है, बाकी हल कर दीजिए इसको आंसर आ जाएगा। तो समझने के लिए हम अलग फिगर बना रहे हैं,
अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक ही पर काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, दो को त्रिज्या दिया हुआ है, कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर, आर वन आर टू भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण दिया हुआ है थीटा बराबर कोण एओसी, या इसको कह सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री 40 डिग्री। निकालना क्या है, छायांकित भाग, इसमें छायांकित भाग में क्या कौन सा आकृति आ रहा है, त्रिज्यखंड, तो यहाँ हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, में बड़का त्रिज्यखंड में छोटका क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई, थीटा बटे 360 पाई दोनों जगह है, क्या कर लेंगे कॉमन, थीटा बटे 360 पाई कॉमन, बचा क्या कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए तो अगर थीटा बटे 360 पाई थीटा बटे 360 नहीं रहेगा तो क्या मिला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी इसको क्या कहेंगे हम, बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल, अगर इस टाइप का आएगा तो इसमें थीटा बटे 360 लगेगा, ठीक है, सबका मान पुट कर दीजिए, हल कर लीजिए, हो गया, थीटा का मान 40 बटे 360, पाई का मान 22/7, अगर रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ पॉइंट में तो पॉइंट में पुट करेंगे, कैपिटल आर का मान 14 का स्क्वायर, स्मॉल आर 7 का स्क्वायर, इसको हल कीजिए, ये कटेगा 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, क्या बचा ऊपर 1 यानी 22 बटे 9 7 63 इंटू 14 का 196 माइनस 7 का 49, इसको घटा लीजिए, बाकी इसको गुना भाग करके जितना आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, घटाना है, इसको हल कर देना है, बिल्कुल पूरी तरह से पॉइंट मिला के जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ रहेगा, उसको आपको बनाना है, उसके बाद देखेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, वृत्त के लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है कि एक जीवा, इसमें एक जीवा दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं जीवा ए भी है, वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, ये केंद्र हो गया, जीवा ए भी के द्वारा केंद्र को मिलाएंगे तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री 90 डिग्री, कैसा कोण 90 डिग्री बनाती है, तो वृत्त के लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कौन बनेगा नीचे वाला भाग, त्रिभुज के बाद जो नीचे ये जो त्रिज्यखंड हो गया पूरा, त्रिज्यखंड में ही त्रिभुज हो गया, तब त्रिज्यखंड में त्रिभुज को छोड़कर नीचे वाला जो भाग बचता है उसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड या सिर्फ वृत्तखंड, और वो और जीवा ये भी है, ए को ओ से, ओ को बी से मिलाएंगे तो ओ ए और ओ बी दोनों क्या हो जाएगा त्रिज्या, जो कि कितना दिया हुआ है 14 ये भी 14 ये भी, कितना डिग्री कोण बनाती है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री हो गया, निकालना क्या है दो चीज क्या क्या, लघु वृत्तखंड नीचे वाला, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घखंड या दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कौन हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड या सिर्फ दीर्घ खंड भी रहेगा तो भी वही होगा, ये पूरा इसको छोड़ करके ये नीचे वाला भाग लघु वृत्तखंड को छोड़ करके बाकी जो भी बच गया, तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड,
लघु वृत्त खंड निकाल लेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे तो बाकी शेष भाग बचेगा। अब लघु वृत्त खंड कैसे लिख लेगा, तो ये पूरा भाग क्या कहलाया, ये पूरा भाग देखिए क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा भाग क्या कहलाएगा, इतना भाग आपका त्रिज खंड। अब त्रिज खंड के क्षेत्रफल में ये क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तब क्या बचेगा, लघु वृत्त खंड। क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है जीवा के द्वारा कौन सा कोण बनाता है, समकोण 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। सबसे पहला नंबर क्या निकालना है, लघु वृत्त खंड, डायरेक्ट फार्मूला लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। डायरेक्ट फार्मूला एक बताया था ना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जब भी लघु वृत्त खंड कहेगा तो यही फार्मूला लगाइए, थीटा का मान पुट करके हल कर लेंगे, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, तो 14 × 14 माइनस 1/2, आर का मान 14 × 14 इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ से दो काम, 14 × 14 14 × 14 दोनों जगह है, कॉमन लेकर हल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पर गुना भाग कीजिए, डायरेक्ट यहीं पर क्या करेंगे गुना भाग, 14 × 14 14 × 14 आर स्क्वायर दोनों जगह है, तब आर स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन भी हो सकता है, नहीं तो मान पुट करने के बाद कॉमन कर लीजिए, 14 × 14 कॉमन, 9 × 4 36, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 1/4 इंटू 22/7 22/7 ये तो कॉमन हो गया, माइनस यहाँ क्या बचा 1/2 ये कॉमन, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 का मान 1, इसको हल कर दीजिए, 14 × 14 196 ये कटेगा, 2 × 4 11 × 22 कितना बचा, 11/7 = 14 माइनस 1/2 196, ये दोनों का एलसीएम 14 × 2 = 14, यहाँ कुछ गुना नहीं होगा, माइनस 7 × 14 = 7, 7 × 7 = 7 196 गुना ये घटेगा तो कितना आएगा, 7 × 4 = 4/14 देखिए कटेगा कितना बार, 14 × 14 196 कितना आया, 14 × 56 56 सेंटीमीटर² आंसर किसका आया, ये नीचे वाला भाग किसका, तो लघु वृत्त खंड। और क्या निकालना है, दीर्घ वृत्त खंड, और क्या निकालना है, दीर्घ, दीर्घ इसको छोड़ करके बाकी पूरा क्षेत्र, दीर्घ वृत्त खंड का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला भाग को छोड़कर बाकी पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र का, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त में ये नीचे वाला भाग घट जाएगा तो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल में ये वाला हम निकाल चुके हैं लघु वृत्त खंड, उसको क्या करेंगे घटा देंगे, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मान पुट कर दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड निकाल चुके हैं 56, ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14 माइनस 56 ही कटेगा, 7 × 14 ये 14 × 28 इंटू 22 कितना आएगा, 28 × 56 और 56 6 1 6 6
एक छ माइनस छप्पन, घटा कर जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, इसको घटा लीजिए जितना आएगा वो आंसर रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर समकोण दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर दे जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है, समकोण के जगह पर 60 डिग्री भी दे सकता है, समकोण के जगह पर 120 डिग्री भी दे सकता है। तो इसी प्रकार हम सबको बनाएंगे। तो इस टाइप का आप भी क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ रहेगा जो आपको बनाना है इसी प्रकार से। अगर नहीं बनता है, कोई दिक्कत होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरा यूट्यूब चैनल टीएसटी एजुकेशन पर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में सभी लोग अच्छी तरह से घर पर बैठे, जो जहाँ है वहीं घर बैठे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो समकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दो समकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र एक ही है और दोनों के बीच घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि बाह्य वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फिर समकेंद्रीय वृत्त मिलेगा। ये पूरा चैप्टर जो है ज्यादातर समकेंद्रीय वृत्त पर ही आधारित है। ठीक है, मान लेते हैं केंद्र O है, इसमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या 21, ये आपका हो गया बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर R1 R2 लीजिए जो लीजिए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ये हमको R बराबर ज्ञात करना है कितना आएगा। और क्या दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों वृत्त के बीच जो घिरे भाग का क्षेत्रफल है या इसको हम छायांकित भाग कह सकते हैं, का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 770। तो इसी भाग को हम क्या कहते थे, बलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल, यही वाला भाग आपका बलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल कहलाता है। तो फार्मूला वही, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, एगो त्रिज्या दिया हुआ है, दूसरा त्रिज्या क्या करना है ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है हमको, कैपिटल आर बराबर 21 सेंटीमीटर और स्मॉल आर ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है, संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल यानी बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या जानते हैं बलय का क्षेत्रफल का फार्मूला, बलय का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना, तो 770। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान मालूम है 21 का स्क्वायर, स्मॉल आर का मान हमको ज्ञात करना है, रहने देंगे बराबर 770। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 7 जाएगा गुना में, 22 आएगा भाग में, इधर 21 का स्क्वायर 441 माइनस आर स्क्वायर बराबर 770 गुना 7 और बटाने आएगा आपका 22। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, 22 बारी कटेगा कितना बार, 22 3 66 11 0 2 5 73 से। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 441 माइनस आर स्क्वायर बराबर गुना करके 7 5 35 21 और 3 24 यहाँ देखिए आर स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर इसको इधर लाएंगे इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 441 माइनस 245 घटाइए इसको, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बच गया 3, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बच गया 3 में से 2 जाएगा 1, आर स्क्वायर बराबर 196, आर बराबर अंडर रूट 196 का वर्गमूल 14 सेंटीमीटर आंसर, क्या मिल गया स्मॉल आर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, यहाँ पर कैपिटल आर दिया हुआ था, स्मॉल निकालना था, कहीं कहीं आपको स्मॉल दिया हुआ रहेगा, कैपिटल निकालना है। तो इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके और भी बुक में दिया हुआ है,
किसी भी बुक में कैसे सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, भारतीय वन हो, किसी भी बुक से आपको बनाना है उससे बनाइए। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइए, और जो नए बने वो हमारा यूट्यूब चैनल टी एस थर्टी एजुकेशन पर कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे। और फिर नेक्स्ट आगे हम अगला वीडियो में बताएंगे, अगला टाइप का क्वेश्चन हम अगला वीडियो में बताएंगे।